सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो। तो गाइस, आज की एडिटिंग थोड़ी सी डराना होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ये वाली एडिटिंग करके दिखाऊंगा जो कि हॉरर वाली एडिटिंग है। तो अगर आप भी इस तरह की एडिटिंग करना चाहते हो गाइस, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दे दिया है मेरी वेबसाइट का, सिंपली डाउनलोड कर सकते हो बैकग्राउंड एंड पीएनजी को, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा गाइस, तो जल्दी से फॉलो कर लो। अगर आपको इस तरह की पोस्ट देखना हो तो जल्दी से फॉलो कर लेना। सो चलिए गाइस, आज के सेंट्रेशन वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ओपन कर लेंगे पिक्सआर्ट ऐप को। एंड ऐप को ओपन करने के बाद ये वाली बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। तो गाइस, ये वाली बैकग्राउंड को देख सकते हो जो कि बहुत ही डरावना लग रही है। सो बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ ऐड फोटो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे प्रेस करेंगे एंड ये वाली पीएनजी को ऐड करेंगे, जिसमें आपको एक बक्से में डमी का हैंड निकलते हुए दिखेगा। तो ये वाली पीएनजी को मैंने ये पीएनजी और ये वाली पीएनजी के साथ मर्ज किया है, तब जाके ये वाली पीएनजी को क्रिएट करा है। सो मैं जितने भी पीएनजी का यूज़ कर रहा हूँ उसका आपको मतलब डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा मेरी वेबसाइट पर जाने पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देन अगेन ऐड फोटो को प्रेस करेंगे एंड एक और पीएनजी दिया हूँ जिसमें रेड हैंड है जॉम्बी की, उसे ऐड करेंगे एंड यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लेंगे। देन अगेन ऐड फोटो को प्रेस करेंगे एंड ये जो बहुत सारी हैंड है जॉम्बीज की ब्लू कलर की, उसे ऐड करेंगे एंड सेंटर पर रख के इस तरह से आपको कॉर्नर को पकड़ के खींच कर इस तरह फुल स्क्रीन कर लेना है, जिससे इस तरीके से ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो ये परफेक्ट सेट हुई है, यहाँ आप देख सकते हो। देन गाइस, अगेन ऐड फोटो को प्रेस करेंगे एंड अपना एक मॉडल फोटो या पीएनजी को ऐड करेंगे। तो मैंने अपना मॉडल पीएनजी को ऐड करा है। सो अगर आपको बैकग्राउंड एरेज करना नहीं आता गाइस, तो ये वाली वीडियो को जरूर देख लेना एक बार। इसमें आपको अच्छे से बताऊं कि आप कैसे बैकग्राउंड एरेज कर सकते हो, और आपकी जो बैकग्राउंड एरेज होगी ना वो फुल एचडी पे होगी, कहीं भी पिक्सल नहीं घटेगी। थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी क्योंकि वो न्यू ट्रिक है, तो एक बार यूज करके देख लेना। तो इतना कर लेने के बाद मैं मॉडल को प्रेस करके इफेक्ट्स को प्रेस करूंगा एंड आपको यहाँ कलर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे प्रेस करेंगे एंड कॉन्ट्रास्ट के फिल्टर को प्रेस करेंगे और इस तरह से मैं ब्राइटनेस को कम कर दूंगा, मतलब अमाउंट को कम कर दूंगा। देन इरेजर को प्रेस करके ये आइकन को प्रेस करेंगे एंड सबसे पहले मैं ब्रश की सेटिंग को कर लेता हूँ चेंज। तो इस तरीके से चेंज करने के बाद इस तरह से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पेंट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको नीचे पे ही पेंट करना है, ब्लैक होते जाएगी इस तरीके से एंड इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद ये वाले ऑप्शन को प्रेस करके इसे अप्लाई करेंगे एंड अगेन कलर्स पे आके कॉन्ट्रास्ट को प्रेस करेंगे एंड अब आपको इसे थोड़ा सा इंक्रीज करके इरेजर को प्रेस करना है एंड इस वाले आइकन को अगेन प्रेस करेंगे और जूम करूंगा एंड अपने हेड पे गाइस जूम करके पहले मैं सेटिंग कर लेता हूँ ब्रश की। एंड इसी तरीके आपको लाइटिंग देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उसी तरीके से आपको देना है। तो फटाफट से मैं यहाँ साइड साइड पर लाइट देते जाऊँगा। सो इस तरीके से लाइट देने के बाद इसे मैं कर दूंगा डन और इसे अगेन डन करेंगे एंड इतना करने के बाद असेंबली में इरेजर को प्रेस करूँगा एंड हेड पे थोड़ा सा आपको यहाँ ब्लैक ब्लैक देखने को मिलेगा, अगर आपके में भी देखने को मिलता है तो इरेज कर सकते हो। सो ये हो गया, अब नाउ इसे मैं कर दूंगा डन और अगेन ऐड फोटो को प्रेस करेंगे एंड ये वाली पीएनजी को ऐड करके इस तरह से राइट साइड के नीचे पे कॉर्नर पे सेट करेंगे। तो ये परफेक्ट है। एंड गाइस, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर शैडोज नहीं है। तो शैडोज वगैरह ड्रॉ नहीं करेंगे, आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा। सिंपल इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ऐड फोटो को प्रेस करना है एंड इस शैडोज पेन जो को इस तरह से सेट करना है नीचे पे, मतलब आपके शूज के थोड़ा सा नीचे पे कर लेना इस तरीके से। और इतना करने के बाद सिंपली आपको लेयर्स पे आ जाना है, लेयर्स को प्रेस करने के बाद मूव डाउन कर देना, जिससे परफेक्ट सेट हो जाएगी। तो गाइस ये हो गया, तो आप यहाँ देख सकते हो यार बेहतरीन लग रही है, जो शैडोज है बिल्कुल रियलिटी लग रही है। तो अगर ऐड फोटो को प्रेस करेंगे एंड आप स्मोक वाली पीएनजी को ऐड करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर दूंगा सिंपली एंड इसे कर दूंगा डन। और डन करने के बाद इसमें आप और कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ड्रॉ वाली ऑप्शन को ओपन करेंगे एंड यहाँ से अपना फोटो कर लूँगा मैं सेव। तो सेव तो हो गई एंड इसमें थोड़ा सा लाइट एंड कलर करेक्शन करेंगे एंड फोटो पे थोड़ा सा डिटेल डालेंगे। तो सिंपली लाइट रूम आपको ओपन करूँगा फटाफट से। ओपन करने के बाद सिंपली मैं फोटो को ऐड कर लेता हूँ जो अभी पिक्सआर्ट ऐप पे सेव करा था।
एंड सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड इसमें एक्सपोजर को माइनस करेंगे एंड हाईलाइट को इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा, देन शैडोज को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा एंड व्हाइट को भी इंक्रीज करूंगा एंड ब्लैक्स को देख लेते हैं तो इसे माइनस करेंगे एंड ये वाले ऑप्शन पे आके क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड विग्नेट को थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ तो यहाँ ये परफेक्ट है एंड कलर्स वाले ऑप्शन पे आके थोड़ा सा टाइम को माइनस कर सकते हैं एंड सैचुरेशन को भी इंक्रीज कर लेना। ओके गाइस, देन नेक्स्ट स्टेप को ओपन करेंगे एंड सिंपली सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, देन ऑरेंज कलर पे आके सिंपली सैचुरेशन को कम करके लुमिनस को इंक्रीज करूंगा तो चाहो तो सैचुरेशन को थोड़ा सा रहने देना एंड अब ब्लू कलर में आके यहाँ थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं व्यू एंड सैचुरेशन को एंड लुमिनस को इंक्रीज करेंगे एंड स्काई ब्लू कलर पे भी चेंज करके देख लेना। और एक हैंड है जो ग्रीन कलर का है तो उसे मैं चेक कर लेता हूँ और येलो कलर में उतना फर्क देखने को नहीं मिला तो इसे रहने देते हैं एंड आप यहाँ देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर में अब हमारी फोटो अच्छी लग रही है क्योंकि कलर करेक्शन एंड थोड़ा सा लाइट करेक्शन हुई है। तो एंड अब मैं शेयर वाले आइकन को प्रेस करके अपना फोटो कर लूँगा सेव।